चलिए दोस्तों, उसी बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल्स को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने रिग्रेशन एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टाइम सीरीज एनालिसिस। ये टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होती है वो देखेंगे। टाइम सीरीज एनालिसिस होता क्या है दोस्तों, आपने देखा था रिग्रेशन एनालिसिस में हम एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करते थे और एक इक्वेशन क्रिएट करते थे और अपनी चीजों को एनालाइज करते थे, डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड आउट करते थे। अबे टाइम सीरीज क्या है? टाइम सीरीज भी वही रिग्रेशन का एक्सटेंशन है, बस थोड़ा सा चेंज है यहां पर, जिसकी स्टडी जिसको डिस्कस हमें आपके साथ टाइम सीरीज एनालिसिस में करना है। देखो रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता था, हम इनकम का कंजम्पशन के साथ लिंक करते थे, मतलब कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ लिंक होता था। लेकिन टाइम सीरीज एनालिसिस ये कहती है कि आप जब भी किसी चीज को एनालाइज कर रहे होंगे, आप जब भी किसी चीज की स्टडी कर रहे होंगे, तो वो स्टडी हमेशा टाइम के बेसिस पे होगी। मतलब टाइम के बेसिस पे मतलब ये, जैसे पिछले 10 सालों की हमारी सेल इतनी है, तो उसी ट्रेंड के बेसिस पे फ्यूचर में सेल कितनी होनी चाहिए ये आपको ध्यान देना है। कहने का मतलब ये, टाइम सीरीज में जो वेरिएबल होंगे उसमें एक वेरिएबल हमेशा टाइम ही होगा, एक वेरिएबल हमेशा टाइम ही होगा कि पिछले 10 सालों में ये रहा, अब कमिंग ईयर में क्या होने के चांस हैं, ये सारी चीजें कैसे होंगी। धीरे धीरे हम इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप भी मेरे साथ डिस्कस कीजिए टाइम सीरीज एनालिसिस। सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, टाइम सीरीज एनालिसिस लिखेंगे, लिख लीजिए, फिर आपके स्टडी मटेरियल सीएम में फाइनल के अकॉर्डिंग भी चीजों को देखेंगे। इन टाइम सीरीज, इन टाइम सीरीज पहले लिखिए फिर समझाते हैं। द सीरीज आर बेस्ड ऑन टाइम। सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात यह है कि टाइम सीरीज एनालिसिस में जो भी डाटा आपको गिवन होगा वो सारा की सारा टाइम के ऊपर बेस्ड होगा, सारा की सारा टाइम के ऊपर बेस्ड होगा। अब ये टाइम जो है, दिस मे बी ईयर, ये ईयर टू ईयर हो सकता है, मंथ टू मंथ हो सकता है, वीक टू वीक हो सकता है, डे टू डे हो सकता है, आवर्स टू आवर हो सकता है, मिनट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, या इवन ए सेकंड भी हो सकता है। किसी चीज को हमें एनालाइज करना है, पल्स रेट 1 मिनट में कितनी बार, ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू जो डाटा है जिसकी स्टडी आप करने जा रहे हैं वो कैसे टाइम से अफेक्ट होता है, टाइम उस पर क्या प्रभाव डालता है, उसकी स्टडी हमें करनी है इवन ए सेकंड। तो यही कुछ बातें हैं टाइम सीरीज के अंदर। इन टाइम सीरीज जो सारा की सारा सीरीज होगी, सारा की सारा जो डाटा होगा वो टाइम के ऊपर बेस्ड होगा और हमें किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की जिसकी हमें एनालिसिस करनी है उसके ऊपर टाइम का क्या इंपैक्ट है उसकी स्टडी हम करेंगे दोस्तों टाइम सीरीज एनालिसिस में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं बहुत छोटा सा, यहां पर मान लो मैं ईयर दे रखे हैं और यहां पर मान लो मैं सेल दे रखी है, भाई 2010 ईयर है, 2011 है,
2012 है, 2013 है, 2014, ऐसे ईयर दे रखे हैं, क्या दिक्कत है? सेल भी दे रखी है 100, 150, ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल आपके सामने पेश किया, जिसके अंदर बस मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि टाइम सीरीज एनालिसिस में एक वेरिएबल ऑलवेज टाइम होगा, और हमें टाइम सीरीज एनालिसिस में जो स्टडी करनी है वो यही करनी है कि अदर वेरिएबल जो है उसके ऊपर टाइम का क्या इंपैक्ट है, टाइम का क्या रिलेशन है, ये चीजें आपको टाइम सीरीज एनालिसिस में देखने को मिलेगी। और एक बात और समझना, ये जो टाइम सीरीज एनालिसिस होगी, जो भी प्रॉब्लम आपको दे रखी होगी उसके अंदर एक वेरिएबल हमेशा टाइम होगा, पहली बात तो। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, द टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज। टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसका रीजन बहुत सिंपल है। हमें यह पता लगाना है कि पिछले 10 सालों में अगर हमारी सेल ये रही तो कमिंग ईयर में हमारी सेल क्या होगी, मतलब सेल को एनालाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमेशा टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और जो दूसरा वेरिएबल होगा, एंड द अदर वेरिएबल एंड द अदर वेरिएबल अगेंस्ट एंड द अदर वेरिएबल अगेंस्ट टाइम इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल सी बात है, टाइम के अगेंस्ट जो दूसरा वेरिएबल होगा, जैसे हमारे एग्जांपल में सेल है, तो वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगी, वही हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट होगा, विच इज मेन पार्ट ऑफ विच इज मेन पार्ट ऑफ फोकस इन द सीरीज एनालिसिस। भाई सेल को ही कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन टाइम, तो टाइम सीरीज एनालिसिस में टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और टाइम के अगेंस्ट जो भी और वेरिएबल होंगे वो सारे के सारे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, वो सारे के सारे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो टाइम के बेसिस पे ही हमें चीजों को आगे बढ़ाना है। अब टाइम सीरीज में एनालिसिस करनी है एक पर्टिकुलर वेरिएबल की बेस्ड ऑन टाइम। अब जब एक पर्टिकुलर वेरिएबल की बेस्ड ऑन टाइम एनालिसिस होती है कि टाइम में चेंजेज की वजह से हमारे वेरिएबल पे क्या क्या चेंजेज आएंगे इसकी स्टडी करना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टाइम सीरीज में क्या क्या चेंजेज है, टाइम सीरीज के कंपोनेंट क्या क्या है, मतलब कंपोनेंट का मतलब घटक, कि टाइम सीरीज में क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं, तो हम उसकी स्टडी करते हैं पहले। इनको मेजरमेंट तो बाद में करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज का मतलब ये कि टाइम में जो चेंजेस आते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, दैट इज ए कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। तो जी टाइम में जो चेंजेस हैं उसके जो टाइम सीरीज के जो कंपोनेंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो लॉन्ग टर्म होंगे, मतलब लॉन्ग टर्म नेचर के होंगे, और एक शॉर्ट टर्म नेचर के होंगे। भाई लॉन्ग टर्म का मतलब तो ये हुआ लंबे समय तक, मोर देन 1 ईयर्स तक, और शॉर्ट टर्म का मतलब विद इन द 1 ईयर ही उसका इंपैक्ट होगा, और लॉन्ग टर्म का मतलब एक लंबे समय तक उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जो आपको हमारे साथ देखना है। बहुत सारे, जैसे अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की एनालिसिस करनी है,
पॉपुलेशन की एनालिसिस जो टाइम के बेसिस पे की जाएगी वो शॉर्ट टर्म टाइम के बेसिस पे बिल्कुल नहीं हो सकती, वो लॉन्ग टर्म ही होगी। तो किस डाटा की एनालिसिस टाइम सीरीज के किस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग की जाएगी, लॉन्ग टर्म एनालिसिस बेनिफिशियल है वहां पर या शॉर्ट टर्म बेनिफिशियल है, उसके लिए आपको पहले यह देखना होगा कि भैया टाइम सीरीज के टोटल जो कंपोनेंट है वो क्या क्या है। लॉन्ग टर्म में क्या उनको बनाएंगे, देखो एक आएगा सेकुलर ट्रेंड। सेकुलर ट्रेंड का मतलब इसे हम टी से डिनोट करते हैं, क्या होता है भी देखेंगे, अभी आप लिख लीजिए सेकुलर ट्रेंड लॉन्ग टर्म के अंदर कवर होता है। इसके बाद साइक्लिक ट्रेंड या फ्लक्चुएशंस, इसे हम सी से डिनोट करते हैं, ये दोनों की दोनों हमारे लॉन्ग टर्म ट्रेंड में आएंगे। साइक्लिक या सेकुलर, ये दोनों की दोनों क्या है अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दो ही हमारे शॉर्ट टर्म है जी, एक सीजनल सीजनल ट्रेंड या फ्लक्चुएशंस एज द केस में भी, सीजनल के बाद इरेगुलर, तो ये चार हैं। डिटेल में भी डिस्कस करते हैं आप उसकी टेंशन ना लीजिए। वैसे मैं एक ओवरऑल वे वे आपको बता दूं, सेकुलर ट्रेंड का मतलब एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म में या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या एकदम स्टेट होगा। साइक्लिक का मतलब एक साइकिल है, अप डाउन दैट इज ए साइक्लिक फ्लक्चुएशंस। सीजनल का मतलब कुछ पर्टिकुलर बिजनेस का अपना एक सीजन होता है, उस समय ज्यादा सेल होती है तो वो सीजनल फ्लक्चुएशंस। इरेगुलर कुछ ऐसी चीज है जो आपके बियॉन्ड द कंट्रोल है, अर्थक्वेक आ गया, पेंडेमिक आ गई, फ्लड आ गया, तो वो उसकी वजह से जो फ्लक्चुएशन हुई वो एक इरेगुलर फ्लक्चुएशन है। लेकिन डिटेल में भी पढ़ते हैं, देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको सेकुलर ट्रेंड बताता हूं। सेकुलर ट्रेंड क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है कि लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में इंक्रीज डिक्रीज या स्टेट क्या उसकी बात करता है, इसे हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी कहते हैं। इसे हम लीनियर ट्रेंड भी कहते हैं। इस तरह की कुछ बातें हम सेकुलर लॉन्ग टर्म लीनियर ये सारी बातें हमें आपको देखने को मिलेंगी। इस तरह के जो ट्रेंड है, इस तरह की जो टाइम सीरीज है वो जर्नली क्या होगी, द लिख लीजिए फिर आपको समझाते हैं। द जर्नली या द जर्नल टेंडेंसी ऑफ द टाइम सीरीज, इस तरह की जो टाइम सीरीज होंगी जो सेकुलर ट्रेंड वाली होंगी, लॉन्ग टर्म ट्रेंड वाली होंगी, उनकी टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी ऑफ द टाइम सीरीज टेंडेंसी ऑफ द टाइम सीरीज डेटा टू इंक्रीज, डेटा टू इंक्रीज और डिक्रीज और स्टैगनेट, स्टैगनेट का मतलब एकदम स्टेट, ना कोई अप ना कोई डाउन, कांस्टेंट है फॉर ए लॉन्ग टर्म। तो सेकुलर ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड वो ट्रेंड होंगे जो लॉन्ग रन में या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे,
या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे या बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होंगे। जैसे ये देखिएगा, कोई भी ग्राफ होता है हमेशा उसके एक्स एक्सिस पे टाइम होगा यहां पर, और दूसरा एक अदर वेरिएबल कुछ भी हो, सेल हो या कोई भी हो, उसके बेसिस पे हमें एक स्ट्रेट लाइन गई या एक डाउन लाइन आई या बिल्कुल एकदम। तो दिस इज द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टैग्नेट स्टेट, बिल्कुल कांस्टेंट। तो इस तरह के ट्रेंड आपको जो मिलेंगे वो सारे के सारे सेकुलर ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड या लीनियर ट्रेंड होंगे। और किस तरह की टाइम सीरीज जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूं, किस तरह की स्टडी और किस तरह का डाटा आपको देखने को मिलेगा वो होगा पॉपुलेशन चेंजेज, भाई अगर आपकी पॉपुलेशन चेंजेज हो रहे हैं, पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ रही है घट रही है, उसकी एनालिसिस करके भी आप अपने डिसीजन ले सकते हैं, या कोई टेक्नोलॉजी का एग्जांपल आप ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल चेंजेज कह सकते हैं आप, कि एक टाइम में रेडियो हुआ करते थे, फिर कुछ कैसेट का जमाना आया, फिर उसके बाद चीजें चेंजेज हुई। देखिए ये टेक्नोलॉजी चेंजेज की स्टडी भी जो है वो भी आपकी सेकुलर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म ट्रेंड या लीनियर ट्रेंड में आएगी। तो किस तरह की टाइम सीरीज में आपको चीजें देखने को मिलेंगी, सबसे पहले मैंने आपको बताया सेकुलर ट्रेंड, लॉन्ग टर्म नेचर का तो है ही है। दूसरा क्या था, साइक्लिक फ्लक्चुएशंस, सी साइक्लिक फ्लक्चुएशंस क्या होती है आप समझेगा, ये भी एक लॉन्ग टर्म ही है, पहली बात तो समझेगा आप। अब साइक्लिक होती क्या है, साइक्लिक का मतलब एक साइकिल में चलती जा रही है, क्या है पहले इसके लिखिएगा फिर मैं आपको बताता हूं साइक्लिक फ्लक्चुएशन क्या है। द सर्कुलर सेकुलर ट्रेंड उसे बोलेंगे जहां पर बिल्कुल इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या स्टेट हो, साइक्लिक होगा लॉन्ग टर्म लेकिन वो एक साइकिल में होगी, कैसे मैं आपको बताता हूं। द सर्कुलर मूवमेंट्स इन ए टाइम सीरीज, द सर्कुलर मूवमेंट इन ए टाइम सीरीज, सर्कुल का मतलब एक सर्कल कैसे होता है भी आपको बताता हूं, विद ए पीरियड ऑफ, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, विद ए पीरियड ऑफ ग्रेटर देन वन ईयर, द सर्कुलर मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट का मतलब एक सर्कल की शेप में, एक सर्कल की शेप में जो मूवमेंट होगी भाई आपको, जैसे क्या हुआ मेरी बात समझेगा, मैं क्या कर रहा हूं आपको टाइम के बेसिस पे कुछ डाटा गिवन है, अब हमें यह पता लगाना है कि वो टाइम सीरीज जो है वो सेकुलर ट्रेंड की है, साइक्लिक की है या सीजनल की है या फिर वो इरेगुलर की वजह से है। अब जब भी आपको पता लग जाएगी कि ये सेकुलर है या साइक्लिक है या सीजनल है, तो सबको मेजरमेंट करने के, सबको एस्टिमेट करने के मेथड भी क्या है, अलग अलग है, तो ये ध्यान से देखना होगा। पीरियड ऑफ ग्रेटर देन वन ईयर एक साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब सर्कुलर मूवमेंट मोर देन वन ईयर अगर आपको देखने को मिले तो समझ लेना वो एक साइक्लिक फ्लक्चुएशंस है, कि भैया आपका बिजनेस का साइकिल ही ऐसा है, कभी अप डाउन ऐसी कुछ चीज रहती है। और किसी भी
साइक्लिक फ्लक्चुएशन में आपको हमेशा चार चीजें देखने को मिलेंगी, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी क्या होती है, प्रोस्पेरिटी देखते हैं अभी कि आप अपसाइड जा रहे हैं। इसके बाद रिसेशन, डाउनसाइड जा रहे हैं भाई, डेप्रिसिएशन या डिप्रेशन, डिप्रेशन लिखिए, डिप्रेशन का मतलब बहुत डाउन चले गए, नेगेटिव साइड चले गए और उसके बाद कुछ रिकवरी, देखिएगा कैसे ये फ्लक्चुएशन चलती है, मैं आपको बताता हूं। कोई भी ग्राफ है, ये इस तरीके से चलेगी, एक साइकिल में ये जो एरिया है, ये जो अब उठ रहा है, ये आपकी प्रोस्पेरिटी है। फिर ये जो ये वाला एरिया है, इसको मैं ब्लू से दिखाता हूं, ये आपका रिसेशन है, और ये जो नीचे जा रहा है, नीचे ये नीचे ग्रीन कलर से, ये नॉर्मल है, एक नॉर्मल लाइन है बिजनेस की भाई, इतना बिजनेस तो होता है। इससे नीचे जा रहा है तो ये हमारा डिप्रेशन है, और ये इसके बाद जो ये उठना चालू हुआ, ये जो यहां से उठना चालू हुआ है, ये आपकी रिकवरी है। फिर ये इसके ऊपर जो आया, फिर ये दोबारा प्रोस्पेरिटी, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर थोड़ी सी रिकवरी। तो ये एक तरीके से साइक्लिक फ्लक्चुएशन जब आपको देखने को मिले, तो वो आपकी सर्कुलर सर्कल की शेप में एक मूवमेंट देखने को मिले, तो वो कहलाएगी साइक्लिक फ्लक्चुएशंस। ये आपको ध्यान से देखना है, साइक्लिक फ्लक्चुएशंस के अंदर क्या चीजें आएंगी, इस तरह का भाई एकदम इंक्रीजिंग है, सेकुलर ट्रेंड है, होता ये भी एक साइक्लिक फ्लक्चुएशन मोर देन वन ईयर में अगर आपको देखने को मिले, तो वो आपकी साइक्लिक फ्लक्चुएशन या सर्कुलर फ्लक्चुएशन कहलाएगी। अब इसके बाद एक क्या थी, तीसरी सीजनल वेरिएशन या फ्लक्चुएशंस। अब कुछ ऐसी फ्लक्चुएशन होती हैं जो केवल सीजनल ही होती हैं, सीजनल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही किसी पर्टिकुलर बिजनेस में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले शॉर्ट टर्म होती है, इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू, लिख लीजिए फिर आपके स्टडी मटेरियल को देखते हैं, इट रेफर टू शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स, इट रेफर टू शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स इन इकोनॉमिक, और ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट दैट जर्नली फॉलो ए कंसिस्टेंट पैटर्न ईच ईयर, ये ईच ईयर है भाई, विद इन ए ईयर। जैसे कि भैया अब समर सीजन स्टार्ट हुआ, एसी फ्रिज कूलर इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, स्कूल का नया टाइम स्टार्ट हुआ, बुक्स सेल होनी ज्यादा हो जाएंगी, इस तरह की बात है। ये चेंज इन क्लाइमेट, मौसम वेदर में चेंज, मौसम में, ये सब देखने को आपको मिलेंगे। बहुत सारे बिजनेस इंपैक्ट होते हैं इसकी वजह से, सीजनल फ्लक्चुएशन वेरिएशन कहा जाता है। चेंज इन कस्टम, कस्टम का मतलब बीच में त्योहार आ जाते हैं, उस समय चीजें बदल जाती हैं, फैशन,
एंड हैबिट्स, तो ये आपको देखने को मिलेगा। टाइम टू टाइम जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे वेदर बदलते हैं, क्लाइमेट बदलते हैं, उस समय कस्टमर की रिक्वायरमेंट, ये सब बदलने की वजह से बिजनेस पे जो इम्पैक्ट होता है, वो सारे के सारे जो फ्लक्चुएशन है वो सीजनल फ्लक्चुएशन में काउंट होंगे। लास्ट है ई रेगुलर, जिसका पता भी आप नहीं लगा पाओगे, मेजरमेंट करना इतना आसान नहीं है। इसे हम रैंडम बोलते हैं या एक्सीडेंटल, इसे हम एक्सीडेंटल भी बोलते हैं, फ्लक्चुएशंस। इरेगुलर, रैंडम और एक्सीडेंटल फ्लक्चुएशंस। देखो जी, सेकुलर तो होगी इंक्रीज डिक्रीज या स्टेट। सेकुलर के बाद सेकुलर के बाद सेकंड हो गई साइक्लिक, सेम साइकिल में मोर देन 1 ईयर तक, और एक सीजनल विद इन द ईयर, सीजनल और एक इरेगुलर, इसका कुछ पता ही नहीं है। दीज वेरिएशंस, या आप कह सकते हैं दीज फ्लक्चुएशंस आर इरेगुलर। एज सच इरेगुलर का मतलब कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, इसे इरेगुलर है। दिस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एज सच, दिस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इजिली, दिस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इजिली। भाई इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, नेचर क्लाइमेट, नेचर क्लाइमेट जैसे कि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई ना, तो बिजनेस अफेक्टेड रहेगा। जैसे कि आपको पता है कोविड आया था तो सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हुए थे। अर्थक्वेक, ये आपको देखना है। पेंडेमिक, भाई कोविड का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये एक ऐसी फ्लक्चुएशन होती है जिन्हें आप चाह कर भी मेजर नहीं कर पाएंगे, जिन्हें आप चाह कर भी मेजर नहीं कर पाएंगे। तो टाइम सीरीज में आपके एक बार सीएम में फाइनल, वेल तो बहुत वाइड एरिया होता है इनका स्टैटिक्स के अंदर, लेकिन आपके टाइम सीरीज में क्या क्या चीजें हैं वो जरा मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूं, सीएम में फाइनल स्टडी मटेरियल आपके साथ। तो जो भी हमने टाइम सीरीज में पढ़ा मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा यहां से। द टर्म टाइम सीरीज रेफर टू ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद द टाइम ऑफ अकरेंस, टाइम के ऊपर बेस्ड होती है वही है। वैल्यू वेरिएबल आज फ्लक्टिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि भैया टाइम सीरीज का मतलब यही है कि जो वेरिएबल्स हैं जिसकी आप स्टडी करने जा रहे हो वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, सेकुलर या सीजनल, साइक्लिक, इरेगुलर, तो वही सारी चीजें हैं। प्रॉफिट ऑन लास्ट 5 ईयर में सीएमए एग्जामिनेशन के कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए, ये सारे एक एग्जाम्पल है टाइम के बेसिस पे। अब बात वही आती है कि भाई कंपोनेंट क्या क्या है, तो वही मैंने आपको पढ़ाया, सेकुलर ट्रेंड है, सीजनल है, साइक्लिक है, इरेगुलर और रैंडम है, यही आपको पढ़ाया हमने। सेकुलर ट्रेंड क्या होता है ये हमने देखा। इन द ट्रेडिशनल अप्रोच इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज ए मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप अमंग द फोर कंपोनेंट। एनी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन टाइम सीरीज इज कंसिडर्ड टू बी प्रोडक्ट ऑफ
effect of that each component yt. another approach hai additive, add karne wala. तो ये सारी चीजें आपको क्या है, मैं जरा आपको एक बार इन, अच्छा एक बार इसके पहले ये देख लो. सेकुलर ट्रेंड क्या होता है, लॉन्ग टर्म होती है, मैंने आपको बता दिया. सीजनल क्या होता है, मैंने आपको बता दिया. साइक्लिक क्या होता है, मैंने आपको बता दिया. इरेगुलर क्या होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया. मेजरमेंट बाद में करेंगे, पहले ये जो बीच में आपके स्टडी मटेरियल में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये क्या होता है वो भी एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं. ये जितनी भी फोर कंपोनेंट हैं, हम ये मान के चलते हैं दो मॉडल के अकॉर्डिंग जो ओरिजिनल डाटा हमें दे रखा है. जैसे 2005 के अंदर सेल 100 रुपए है, तो मान के चलते हैं कि 100 रुपए की सेल में सेकुलर ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिक या इरेगुलर का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसकी बात आपको देखने को मिलेगी यहां पर. तो इसके लिए आपको दो मॉडल देखने को मिलेंगे, उसे हम बोलते हैं डीकंपोज. टाइम सीरीज कंपोनेंट बोलते हैं इसे. इसके लिए हमारे पास दो मॉडल हैं दोस्तों. एक है मल्टीप्लिकेटेड, ठीक है, मॉडल, और एक है एडिटिव मॉडल, ऐड करना और मल्टीपल करना. मल्टीप्लिकेटेड मॉडल ये कहता है कि जो ओरिजिनल डाटा होगा हेयर, ओरिजिनल डाटा ओ या वाई किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो, इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल फोर कॉम्पोनेंट्स. क्या मतलब हुआ बताता हूं. ओरिजिनल डाटा को ओ या आपके वाई टी से डिनोट करते हैं. ये जो सेकुलर ट्रेंड, उसके बाद साइक्लिक, सीजनल, इरेगुलर, इस तरीके से. और एडिटिव, एडिटिव में क्या होगा, यहां पर ये माना जाता है हेयर ओरिजिनल डाटा इज इक्वल टू ऐड करना. हेयर ओरिजिनल डाटा इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल फोर कॉम्पोनेंट. तो हम ये कह सकते हैं ओ या वाई जो ओरिजिनल डाटा है ना, वो टी प्लस सी प्लस एस प्लस आई. अब यहां से क्या हो सकता है, आपको एक ओरिजिनल डाटा दे दे और उसमें ये बताए कि इतने परसेंट सेकुलर ट्रेंड की वजह से है, इतने परसेंट साइक्लिक की वजह से, इतने परसेंट सीजनल की वजह से है, इरेगुलर आप फाइंड आउट करके बताओ. तो ओरिजिनल डाटा में से बाकी तीन एडिटिव मॉडल में माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, और यहां डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तब आ जाएगा. मतलब इस इक्वेशन से जितनी भी चीजें, पांच चीजें हैं, कोई चार अगर आपको दे रखी है तो वहां से दो नंबर का यहां से आपको मे बी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि भैया सीजनल की मात्रा कितनी है इसके अंदर, वो आप फाइंड आउट करें, या साइक्लिक की मात्रा कितनी है वो आप फाइंड करें. तो बैलेंसिंग फिगर ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं.
बाकी ये ट्रेंड आपको मैंने पढ़ा दिए। अब फर्दर इन ट्रेंड की मेजरमेंट होगी, कैलकुलेशन होगी, एस्टीमेशन होगा, उसके लिए मेथड है। सबसे पहले सेकुलर ट्रेंड को सिखाएंगे, सीजनल को सिखाएंगे, साइक्लिक को सिखाएंगे। तो मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड हम डिस्कस करेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।